हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे ही होंगे। दोस्तों आज 1 जनवरी 2023 है और सबसे पहले तो नए वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं आप लोगों को, और नया वर्ष आपके जीवन में ढेर सारी खुशियां लेकर आए और आपका जीवन मंगलमय हो। तो दोस्तों आज 1 जनवरी है तो आज मैं आपको भारत के 10 सबसे खूबसूरत रेलवे स्टेशनों के बारे में बताऊँगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राहुल और आप देख रहे हैं रेल जर्नी विद राहुल। तो दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों मैंने जिस 10 रेलवे स्टेशनों की सूची बनाई है उसमें नंबर 10 पर आता है कटक रेलवे स्टेशन, और ये रेलवे स्टेशन उड़ीसा राज्य में स्थित है और इस स्टेशन को बरबरी नामक किले की नकल में बनाया गया है। ये स्टेशन भारत के खूबसूरत और सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशनों में से एक है। इसके बाद नंबर 9 पर आता है विजयवाड़ा स्टेशन। दोस्तों यह रेलवे स्टेशन आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है और यह स्टेशन हावड़ा चेन्नई और दिल्ली चेन्नई मेन लाइन पर स्थित है। इसका निर्माण सन 1888 में आज से करीब 134 वर्ष पहले किया गया था, और इतना प्राचीन होने के बाद भी यह स्टेशन आज भी अपनी खूबसूरती के लिए जाना जाता है। इसके बाद नंबर 8 पर आता है जयपुर रेलवे स्टेशन। दोस्तों कि जैसा कि आप लोगों की पता है, यह रेलवे स्टेशन राजस्थान राज्य में स्थित है और यह स्टेशन भारत के सबसे स्वच्छ और खूबसूरत रेलवे स्टेशनों में से एक है। इस स्टेशन की इमारत का डिजाइन एक महल की तरह है और इसका निर्माण सन 1895 में आज से करीब 127 वर्ष पहले हुआ था, और ये भी भारत के सबसे खूबसूरत रेलवे स्टेशनों में से एक है। नंबर 7 पर आता है चेन्नई सेंट्रल रेलवे स्टेशन। दोस्तों इस स्टेशन को दक्षिण भारत के द्वार के नाम से भी जाना जाता है और यह दक्षिण भारत के स्टेशनों में से एक प्रमुख रेलवे स्टेशन है जो कि तमिलनाडु राज्य में पड़ता है। दोस्तों यह स्टेशन भी आज से करीब 143 साल पुराना है और इस स्टेशन को हेनरी इरविन नामक शख्स ने बनाया था, और यह भी भारत के सबसे खूबसूरत रेलवे स्टेशनों में से एक है। इसके बाद नंबर 6 पर आता है नई दिल्ली रेलवे स्टेशन। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन भारत के सबसे बड़े और बेस्ट रेलवे स्टेशनों में से एक है। दोस्तों इसका निर्माण सन 1911 ईस्वी में हुआ था, और इतना पुराना होने के बाद भी यह स्टेशन आज भी एक मॉडर्न लुक में बना हुआ है। दोस्तों इसके बाद आता है हावड़ा रेलवे स्टेशन। दोस्तों देश में ऐसे बहुत कम ही रेलवे स्टेशन होंगे जो कि इतने पुराने होंगे, क्योंकि इसकी इमारत भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, और ये रेलवे स्टेशन भारत के सबसे प्राचीनतम और बड़े रेलवे स्टेशनों में से एक है। इसके बाद नंबर 4 पर आता है लखनऊ रेलवे स्टेशन। यह अंग्रेजों के समय की एक भव्य इमारत है जो कि बाहर से जितनी विशालकाय दिखती है अंदर से उतनी ही ज़्यादा खूबसूरत है। इस स्टेशन की वास्तुकला में मुगल, राजपूत और अवध की संस्कृति झलकती है। अगर आप इस स्टेशन को ऊपर से देखेंगे तो ये एक शतरंज की बिसात की तरह आपको दिखाई देगी। नंबर 3 पर आता है दूधसागर रेलवे स्टेशन। दोस्तों यह रेलवे स्टेशन गोवा राज्य में पड़ता है और प्राकृतिक नज़ारों से भरपूर यह स्टेशन बेहद ही खूबसूरत है। यहाँ पर कोई विशेष प्लेटफॉर्म तो नहीं है, लेकिन इसके ट्रैक के पास ही एक बड़ा सा वाटरफॉल है जो कि इसकी सुंदरता में 4 चांद लगा देता है। दोस्तों नंबर 2 पर हमने शामिल किया है घूम रेलवे स्टेशन को। यह रेलवे स्टेशन भारत के सबसे खूबसूरत और सबसे ऊंचे रेलवे स्टेशनों में से एक है। बात करें अगर विश्व की तो विश्व में 14वें नंबर पर सबसे ऊंचा रेलवे स्टेशन यही है। यह स्टेशन दार्जिलिंग रेलवे का एक हिस्सा है और यहाँ पर पर्यटकों के लिए एक टॉय ट्रेन भी चलाई जाती है, और यह स्टेशन प्राकृतिक नज़ारों से भरपूर है। दोस्तों नंबर 1 पर हमने शामिल किया है छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस को। यह रेलवे स्टेशन महाराष्ट्र के मुंबई शहर में स्थित है। इस रेलवे स्टेशन का प्राचीनतम नाम विक्टोरिया टर्मिनस था, और इस स्टेशन का निर्माण सन 1887 ईस्वी में किया गया था, जिसे बाद में 1996 में बदलकर इसका नाम छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस रख दिया गया। और यह रेलवे स्टेशन अपने आप में बेहद ही ज़्यादा खूबसूरत है, क्योंकि बाहर से अगर आप इसको देखेंगे तो ये एक विशालकाय महल की तरह दिखता है, और यूनेस्को द्वारा इसको विश्व धरोहर में शामिल किया गया है, और इसीलिए हमने इस स्टेशन को पहले नंबर पर रखा है। तो दोस्तों ये थे भारत के 10 सबसे खूबसूरत रेलवे स्टेशन, और इसके अलावा भारत में ऐसे बहुत सारे रेलवे स्टेशन हैं जहां पर आप विजिट कर सकते हैं, एक्सप्लोर कर सकते हैं उन स्टेशन को और उनकी खूबसूरती को। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको ज़रूर से पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं
तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद एंड गॉड ब्लेस यू ऑल, और नए वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएँ।